राम राम सीताराम सबको गुड मॉर्निंग। तो आज ना बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हो गए थे, हमें निकलना था 8 बजे लेकिन हम 10 बजे निकल। एटमॉस्फेयर यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया है, बारिश है जैसा हो गया, बारिश आने वाली है, थोड़ी थोड़ी आ भी रही है। कोई लोग रेड में है, कोई लोग व्हाइट में है और कोई लोग रेड एंड व्हाइट मिक्स में है। तो अभी हम सब लोग निकल रहे हैं, कल पूरा सर्वे किया है, आज एक एक चीज देखने जाएंगे। पहले जा रहे हैं जंगल सफारी, आज शिव का प्राण भी लिया है साथ में और सब लोग रेडी होके फ्रेश होके जा रहे हैं। नाश्ता कर लिया है, यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है, ऑलमोस्ट हाँ लकीली, क्योंकि कल के मुकाबले आज काफ़ी अच्छा वेदर है। कल बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शायद उसी की वजह से आज बारिश का वेदर हो गया, वातावरण हो गया। ये जंगल सफारी आज हमारा पहला यहाँ से स्टार्ट हो रही है सफर। ओ अभी सामने पेट जोन भी है, वहाँ पे बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ पे जंगल सफारी में जाएंगे। आज उनको ना प्रैक्टिस करवा रहा है, जिसे और मुझे जल्दी से देखना है जंगल का राजा शेर। They always target child. लेपट को बोल दो इधर भी शेर खड़ा है। वो जा रहा है, बस मिल लिया सबको। नहीं आया था, ज्यादा आवाज हुई ना इसलिए चला गया। अभी आया था। लेपट क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को उसकी साइज की, उसके खुद की साइज से जो छोटा होता है उसको टारगेट करता है। जैसे ही सीट को यहाँ रखेंगे ना वो आएगा। और अम्मू के भी दोनों साथ में पानी 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 में प
देयर इज बेबी सीन तो जो ये मेल है बच्चे वहां पे अंदर आगे जाना चाहिए ओ वहां पे वहां पे सीन तो जो अभी तो नींद में था अभी देखो कैसे दिख रहा है सिर जो वह था जो ये कट जाए क्यों मुझे कोई नहीं आ जो वह लेपन सबसे साथी होता है अटैक करने में सी को देखने ले पट को शिव डर गया अच्छा शिव और शांति दोनों डर रहे हैं अगर डर रहे हैं तो उसको बुलाया क्यों फिर उसको बुलाया तो उसका सामना करो नहीं देखो बच्चों को भी पता चलता है डर लगता है क्योंकि ये डरावने होते हैं अचानक से ऊपर आया ना और वो बच्चों को पहले टारगेट करता है जो नहीं जो मुझे खरीद के टाइगर की बंगाल टाइगर की लाइफ स्पेन कितनी होती है 12 टू 15 इयर्स एक यहाँ पे आगे है वाइट लेकिन वो थोड़ा सा बीमार है ऐसा लग रहा है बाकी ये टाइगर नहीं दिख रहा हमें बंगाल टाइगर यहाँ पे दिखा नहीं इसे कौन दौड़ता है इसे कौन दौड़ता है बड़ी तो मेरी लालच देखो तो गाली अली ऊपर बैठी है खवानू आप अपना जो खवानू फिर से कौन पकड़ जाओ जंगल सफारी में यहाँ से कहीं लेके जा रहे हैं आज वहाँ पे हमें सिर्फ एक एनिमल दिखा है कौन सा एनिमल था वो राजभाई बाघ लेपर्ड था या बाघ था बाघ था भालू है यहाँ पे हाय ओम क्योंकि बच्चों के साथ जब ट्रैवल करें और खास करके ऐसी जगह होगा घूमना बहुत मुश्किल होता है फिर एकदम होगा तभी जो
अंदर से जोवान है वहां से ही तो सब जो टाइम ले जा नाइया बोलते नाइया फिर पे मोयो ब्लैक कलर है শ্রী তোতাটা তাহলে আসবে না हम सब लोगों ने यहाँ पे जो पंछी पैरट बर्ड्स थे वो देख लिए। अभी पार्टी और शिव के पास जाते हैं, होपफुली शिव सो गया हो। और नेक्स्ट हमें जाना है पेट जोन पे। देखिए हाँ, पैरट कैटेगरी के ज्यादा थे, है ना, पैरट फैमिली से। यहाँ पे जू तो सभी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे लोकेशन पे जू है। अभी थोड़ी गर्मी है बिकॉज बारिश आने वाली है उसके लिए। और यहाँ पे देखो ओम, ये अच्छी अच्छी चीज़ है, तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ। ये बहुत ही खूबसूरत एनिमल है, स्लिपरी है तारो पग नो लेफ्ट। तो फाइनली जू हमने कर लिया, अभी जाएंगे नेक्स्ट में। और शिव काफी थका है, सो जाएगा, सो ही रहे। और यहाँ पे कुछ पियेंगे, पानी या ड्रिंक्स पता नहीं क्या सब पियेंगे कुछ ना कुछ, और उसके बाद जाएंगे। अभी हमने पहला ही एक कर लिया। भारती ने ना शिव को घुमा घुमा के सुला दिया, और हम सब घूम घूम के थक चुके हैं अभी। तो इसके बाद नेक्स्ट है पेट जोन, डाइनो बल्ला बल्ला डाइनो बल्ला बल्ला है। वेट कर रहे हमारे, तो हम सब मिलने जा रहे डायनोसोर से, ठीक है ना।
पर बहुत अच्छे से बनाई, नई बनाई है लेकिन पूरा जैसे पुराना लुक दिया हुआ है इसको। ओके चलो अभी सीव से हो गया ना तो टेंशन नहीं है। और आती जाए अभी हम जंगल सफारी से जा रहे पेट जोन में। कच्चा बादाम, कच्चा केरी खाते बीच रास्ते। हाँ ये छोटी काव आती है वो गाय है, गाय माता मुझे मरवा आया था मारे हो डेंजर है, इसने मेरे पे अटैक किया है, वो गोट ने मेरे पे अटैक किया है। मोटा इंगड़ा वाले कर हां इंच छोटू छोटू अलग अलग टाइप की। यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग मोड है यहाँ पे। नॉर्मल मोड में आएगा फाइटिंग मोड में छिपा। ये ना छोटी गाय है वो है ना जो इसका बच्चा तो बहुत छोटा हो सकता है। साउथ में होती है लेकिन ये शांत है फिर भी। वैसी वाली हमारे प्रॉब्लम में मिल जाती है। इसको वेबसाइट में ऐसे दिखा रहा है कि पकड़ने देते लेकिन अभी तो नहीं पकड़ने देते, लेकिन ये सो रहा है ऑटोमेटिक, ये चला रहे है गाड़ी। हवेली फ्लावर यहाँ पे है, डाइनो ट्रेल यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे है। और ये देखो पापा के साथ, पापा ना ऑलवेज नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के साथ, वैसे हमारा ऑपोजिट है, मैं ऑलवेज नए नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ बच्चों के साथ। रामदेव बहुत स्ट्रिक्ट है, रामदेव के अंदर थोड़ी सी मैं चली गई हूँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे जाता है धीरे धीरे अकेला ये। राज भाई देखो, राज भाई देखो ओम का फेवरेट जगह कहाँ पे जाना है, कहाँ करे अभी। यहाँ से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा है और ये मेज गार्डन है, इसकी टिकट ऑनलाइन लेनी पड़ती है। और ओम छुपने वाला है, मुझे राज भाई को एंड काजल को ढूंढना है ओम को, जब ओम हमें मिल जाए तो हमारी गेम खत्म। ओके ओम रेडी। ओके यहाँ से हमें ओम के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें ओम को ढूंढना है कुछ भी हो जाए ना। और फिर एक मिनट मुझे देना है छुपने के लिए, ठीक है भागो। मैं हम जा रहे हैं ढूंढने के लिए, मुझे आवाज आ रही है ओम की। हम तो ऐसे ही चक्कर लगाएंगे राज भाई और हम दोनों खेल लेंगे, इसमें फुल भुलैया जैसा है, देखते हैं कहाँ पे किया जाए। ओम वेयर आर यू, सॉरी यू हैव टू फाइंड अनदर वे। अभी हम ऑलरेडी ना चल चल के बहुत थक चुके हैं, रामदेव भी थक चुके हैं, और अभी हमारा जो मेन अट्रैक्शन है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो तो देखना बाकी है, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन जू में ना बहुत ज्यादा काम चल रहा है तो सब कुछ अभी हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते, मतलब कि लेपर्ड एक दिखा, टाइगर नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी अवेलेबल। बाकी जो पेट जोन है उसमें भी हाथ में नहीं खेलने देते, तो मजा आया लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। अभी ओम को ढूंढते हैं। काजल अब तुम जाओ, मैं थक गई हूँ, तुम ओम को ढूंढो। ओम की आवाज आ रही है, यहीं कहीं है ओम, कहाँ पे है ओम? ओम आठी है काजल, ओम यही है, ओम यहाँ अंदर है, ओम आई यहाँ पे भी कुछ नहीं। ओम पकड़ लो, ओम को पकड़ो। ओम पकड़ा गया, कहाँ पे ओम? ये क्या पे ओम का क्या चैलेंज है, तुमको राज काका को ढूंढना है, ठीक है।